नमस्कार दोस्तों, ये हमारा चैनल है। इस चैनल में हम आज एक छोटी सी बात बताने के लिए जा रहे हैं। ये जो हमारा प्रोफाइल है ना, ये अभी यहाँ पे जो पहले आता था कि स्विच टू क्लासिक फेसबुक, तो वो अभी नहीं आ रहा, जिसके लिए बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही है। कुछ कुछ ऑप्शंस नए वाले इस फेसबुक में नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो पिछले वाले फेसबुक के वर्जन में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, इसका नाम है कि हम दिखा रहे हैं यूजर एजेंट स्विचर फॉर क्रोम। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये ऐसा करके रहता है, ये वाला यूजर एजेंट स्विचर फॉर क्रोम, ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं इसे। 2466 लोगों ने इसको रेटिंग भी दिया है, तो इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी तो ये फिलहाल हमारे यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसे इंस्टॉल करने के बाद हमको ये करना पड़ेगा कि एक कोड कोड का लाइन है, तो वो हम डाल रहे हैं अभी। तो वो वाला कोड हमको कॉपी करना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं हम। हाँ, तो दोस्तों मैंने वो कोड जो है वो अभी नोट पैड में सेव किया हुआ है, ये वाला कोड है, तो उसको हमको डालना पड़ेगा। ये वाला जो एक्सटेंशन है, इसमें पहले जाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके आप ऑप्शंस पे जा सकते हो। ऑप्शंस पे जाके यहाँ पे जाके ये न्यू यूजर एजेंट स्ट्रिंग है, यहाँ पे उस कोड को डालना पड़ेगा जो मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है, तो हम इसे डाल रहे हैं। और यहाँ पे जाके न्यू यूजर बन गया, आप फेसबुक को ये भी लिख सकते हो। और इसमें जो क्रोम लिखा हुआ है, सफारी लिखा हुआ है, उसको आपको क्रोम कर देना पड़ेगा कोड। और यहाँ पे जो इंडिकेटर फ्लैग है, इसमें आपको डालना पड़ेगा IE8, इसका नहीं गलत ही होगा, IE8, उसके बाद ये ऐड कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया, अब आपको जाना पड़ेगा फेसबुक में। यहाँ पे अगर आप रीलोड करोगे पहली बार, तो देखोगे कि कुछ नहीं हो रहा अभी तक। ये देखो पुराना वर्षन अभी भी रह चुका है यहाँ पे, ये देखो वो नहीं गया। तो यहाँ पे वो स्विच टू फेसबुक वाला वो भी नहीं आ रहा। तो हम जैसे इस एक्सटेंशन को ऑन करेंगे, यहाँ पे क्रोम में जाके AP वाला डालेंगे, तो अब देखो बूम हो गया। ये देख लो पूरा पूरा एकदम पहले जैसा क्लासिक फेसबुक वर्जन, वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।